हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसा इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 11 साइकोलॉजी के चैप्टर 2 एक्सपेरिमेंटल मेथड को कंटिन्यू करते हुए मैं आगे का पार्ट आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। देखो, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल मेथड का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था एक्सपेरिमेंटल मेथड होता क्या है और इसके कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड में जब भी स्टडी कंडक्ट की जाती है तो इसमें हमेशा कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की जाती है दो वेरिएबल्स के बीच में। दो वेरिएबल कौन कौन से होते हैं? एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी भी एक्सपेरिमेंट का कॉज होता है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो किसी भी एक्सपेरिमेंट का इफेक्ट होता है। ये सब मैं आपको डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। एक्सपेरिमेंटल मेथड को अच्छे से समझने के लिए आपको मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर जरूर देखना होगा, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा कि एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि दो कौन कौन से ग्रुप होते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड में। तो पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना, ताकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप से रिलेटेड कोई भी की पॉइंट आपका मिस ना हो। देखो, जैसे किसी भी एक्सपेरिमेंटल मेथड में दो वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, इसी तरह से एक्सपेरिमेंटल मेथड में दो ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा ग्रुप होता है कंट्रोल ग्रुप। ये दोनों ग्रुप क्या होते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। देखो, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज अ ग्रुप इन विच मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर अफेक्टेड बाय मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होते हैं? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जिनके मेंबर्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है, जिनके मेंबर्स को अल्टर किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं ये किसी भी एक्सपेरिमेंट के कॉज कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि इनकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल के बिहेवियर में इफेक्ट होता है। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जिनके मेंबर्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है। यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटल होता है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के मेंबर्स को इंस्ट्रक्ट कर सकता है कि उनको किसी तरह का कोई भी रिएक्शन नहीं करना है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी के कॉज होते हैं, इस वजह से इन्हें हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्लियर हुआ आपको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जिनके मेंबर्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है। दूसरा ग्रुप होता है कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप क्या होता है? कंट्रोल ग्रुप इज अ कंपैरिजन ग्रुप इन विच मैनिपुलेशन वेरिएबल इज एब्सेंट। देखो, कंट्रोल ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जिनके मेंबर्स को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर मैनिपुलेशन टोटली एब्सेंट होता है। ये जो कंट्रोल ग्रुप होता है ये हमेशा कंपेयर किया जाता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से। जो कंट्रोल ग्रुप होते हैं इनके मेंबर्स डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, क्योंकि इनके बिहेवियर में किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता, कोई मैनिपुलेशन नहीं किया जाता। यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटल होता है वो किसी तरह की भी इंस्ट्रक्शंस नहीं देता है कंट्रोल ग्रुप के मेंबर को। तो कंट्रोल ग्रुप किसी भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी के इफेक्ट होते हैं। क्लियर? अब देखो, जो हमने लेटने और डार्ली का एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें टू ग्रुप्स वर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड वन ग्रुप वाज कंट्रोल ग्रुप। देखो, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि लेटने और डार्ली ने किस तरह से कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पर स्टडी कंडक्ट की थी। जो स्टूडेंट थे उनको उन्होंने तीन रूम में बिठाया था। जो फर्स्ट रूम था उसमें सिर्फ एक सिंगल स्टूडेंट को बिठाया गया था। ये जो स्टूडेंट था ये अकेला बैठा हुआ था, इसको किसी तरह की
कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई थी, किसी तरह का यहाँ मैनिपुलेशन नहीं किया गया था। तो इस ग्रुप को हम कंसिडर करते हैं कंट्रोल ग्रुप। ये जो रूम है फर्स्ट रूम, इसमें एक सिंगल स्टूडेंट बैठा है। ये जो सिंगल स्टूडेंट बैठा है, इसके बिहेवियर में किसी तरह का कोई भी मैनिपुलेशन नहीं किया गया है एक्सपेरिमेंटर के द्वारा। तो ये ग्रुप होगा कंट्रोल ग्रुप। अब देखो, दो रूम और अवेलेबल थे जहां पर तीन तीन स्टूडेंट्स बैठाए गए थे। जो फर्स्ट रूम था, इसमें एक्सपेरिमेंटर ने तीन स्टूडेंट बिठाए, लेकिन ये तीनों ही स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के थे और एक दूसरे के लिए अननोन थे। ये एक दूसरे को नहीं जानते थे। लेकिन देखो, यहाँ पर एक्सपेरिमेंटर ने तीन स्टूडेंट एक साथ बिठाए, यानी कि यहाँ पर उनके सिटिंग अरेंजमेंट में मैनिपुलेशन कर दिया। जब तीन स्टूडेंट एक साथ बैठेंगे तो उनके बिहेवियर में, उनके रिस्पॉन्स में चेंजेस आएंगे। तो ये जो ग्रुप है, ये है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेरिमेंटर ने मैनिपुलेशन किया है। इसी तरह से तीसरा जो रूम था, इसमें भी तीन स्टूडेंट बिठाए गए थे। दो स्टूडेंट थे कॉन्फेडरेट्स। कॉन्फेडरेट्स का मतलब होता है कि ये एक्सपेरिमेंटर के बंदे थे। इन्हें इंस्ट्रक्ट किया गया था कि आपको किसी तरह का कोई भी रिएक्शन नहीं करना है। तीसरा स्टूडेंट है, ये है यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। तो यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंटर ने सीटिंग अरेंजमेंट में मैनिपुलेशन किया है। तो ये ग्रुप भी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। तो लैटने और डार्ली के एक्सपेरिमेंट में जो कंट्रोल ग्रुप है, वो एक ग्रुप है जिसमें सिंगल स्टूडेंट बैठा हुआ है, वो है कंट्रोल ग्रुप। और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, वो दो ग्रुप है। एक ग्रुप में तीन स्टूडेंट बैठे हैं, जो तीनों एक दूसरे के लिए अननोन है, और दूसरे ग्रुप में दो कॉन्फिडरेट्स बैठे हैं और एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो समझ में आया आपको, लैटने और डार्ली के एक्सपेरिमेंट में दो ग्रुप थे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और एक ग्रुप था कंट्रोल ग्रुप। अब देखो, जब एक्सपेरिमेंटर तीनों ही रूम में स्मोक फिल करनी शुरू करता है, इक्वल अमाउंट में तीनों रूम में स्मोक फिल की जाती है, तो किस तरह से कंट्रोल ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स रिएक्ट करते हैं और किस तरह से एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स रिएक्ट करते हैं, यही चीज ऑब्जर्व करनी थी एक्सपेरिमेंटर को। तो यहाँ आप लिखेंगे कंट्रोल ग्रुप परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ स्मोक वाज कंपेयर्ड विद एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब देखो, यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटर था, वो दोनों ही ग्रुप के परफॉर्मेंस को एक दूसरे से कंपेयर करना चाहता था इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ स्मोक। जैसे ही रूम में स्मोक फिल की गई थी, तो वो ये देखना चाहता था कि जो कंट्रोल ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स हैं, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स हैं, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। दोनों के परफॉर्मेंस को वो कंपेयर करता है। तो देखो, इट वॉज फाउंड दैट मैक्सिमम पार्टिसिपेंट रिपोर्टेड इमरजेंसी इन कंट्रोल्ड ग्रुप, व्हाइल लेस और लीस्ट पार्टिसिपेंट रिपोर्टेड इमरजेंसी इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। देखो, एक्सपेरिमेंटर ने क्या देखा कि जो मैक्सिमम मेंबर्स थे कंट्रोल ग्रुप के, उन्होंने स्मोक के बारे में रिपोर्ट किया, जबकि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के मेंबर्स थे, उन्होंने लेस और लीस्ट रिपोर्ट किया स्मोक के बारे में। जो तीन स्टूडेंट्स अननोन थे, अनफेमिलियर थे, एक दूसरे को नहीं जानते थे, उन्होंने लेस रिपोर्टिंग की स्मोक के बारे में, क्योंकि उन्होंने काफी टाइम एक दूसरे से डिस्कस करने में लगा दिया कि जो रूम में स्मोक फिल हो रही है, वो क्यों फिल हो रही है, क्या रीजन है। तो इस तरह से वो ज्यादा नहीं घबराए स्मोक को देख करके, उन्होंने एक दूसरे से बातचीत करके, एक दूसरे के रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने के बाद रिपोर्ट किया स्मोक के बारे में। लेकिन जो स्टूडेंट अकेला बैठा था, वो एकदम स्मोक को देखकर डर गया। उसने स्मोक के बारे में बाहर आकर तुरंत रिपोर्ट किया कि रूम में स्मोक फिल हो रही है। लेकिन जो तीसरा ग्रुप था, इन्होंने लीस्ट रिपोर्ट किया स्मोक के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जो दो कॉन्फिडरेट्स बैठे थे, इनको ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि आपको किसी तरह का कोई भी रिएक्शन नहीं करना है। तो जो तीसरा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, वो इन दोनों के रिएक्शन को अंडरस्टैंड करके,
वो भी इजी फील कर रहा था कि किसी तरह की कोई इमरजेंसी नहीं है, तो इन तीनों ने लीस्ट रिपोर्ट किया स्मोक के बारे में। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हुआ। जो मेंबर्स कंट्रोल ग्रुप के होते हैं वो इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं इमरजेंसी के बारे में, लेकिन जो दूसरे मेंबर्स हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के, उनके रेस्पॉन्स में, उनके बिहेवियर में, उनके रिएक्शन में ज्यादा इमरजेंसी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो एक दूसरे के रिएक्शन को, एक दूसरे के रेस्पॉन्स को पहले अंडरस्टैंड करते हैं और बाद में वो रिएक्ट करते हैं। क्लियर? तो होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि लेटने और डार्ली के एक्सपेरिमेंट में दो ग्रुप थे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक ग्रुप था कंट्रोल ग्रुप। अब देखो, मैं आपको कुछ टेक्निक बता रही हूँ टू कंट्रोल रेलेवेंट वेरिएबल्स। देखो, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल होते हैं, उन्हें हम कॉन्स्टेंट रखते हैं जब भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कॉन्स्टेंट रखा जाता है, उनके बिहेवियर में किसी तरह के कोई चेंजेस नहीं लाए जाते, क्योंकि हमारा जो मेन एम होता है वो सिर्फ ये होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हुआ, उसे हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे रेलेवेंट वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें कंट्रोल किया जाता है, जो कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उसमें भी कुछ ऐसे रेलेवेंट वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर तीन तरह के वेरिएबल्स दिए गए हैं जिन्हें हम कंट्रोल करते हैं। पहला आता है एलिमिनेट अनवांटेड वेरिएबल्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल सेटिंग। फॉर एग्जांपल, साउंड प्रूफ रूम टू अवॉइड नॉइज इफेक्ट। देखो, जब भी कोई एक्सपेरिमेंटल मेथड कंडक्ट किया जाता है तो उसमें जो एक्सपेरिमेंटर होता है वो एलिमिनेट करता है अनवांटेड वेरिएबल्स को एक्सपेरिमेंटल सेटिंग में से। जैसे देखो, जो एक्सपेरिमेंटर होता है वो नॉइज के इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए साउंड प्रूफ रूम सेलेक्ट करता है। इसी तरह से वो बाहर के एटमॉस्फेयर को, बाहर के टेम्परेचर को अवॉइड करने के लिए एसी रूम सेलेक्ट करता है। तो यहाँ पर एलिमिनेशन किए जाते हैं ताकि जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है उन्हें कांस्टेंट रखा जाए, ताकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में इजीली कंपैरिजन किया जा सके। दूसरा पॉइंट आता है कंट्रोलिंग ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, एंजाइटी, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी और बैकग्राउंड, जैसे रूरल और अर्बन लोकेलिटीज। अब देखो, जब एक्सपेरिमेंटल मेथड कंडक्ट किया जाता है तो उसमें ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल को भी कंट्रोल किया जाता है, जैसे एंजाइटी। कुछ पार्टिसिपेंट ऐसे होते हैं जो नर्वस हो जाते हैं, जिन्हें फियर होता है एक नए एनवायरनमेंट का, क्योंकि जब वो एक्सपेरिमेंट के लिए आए हैं तो वहां पर नया एनवायरनमेंट है, बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट है, तो उन्हें एंजाइटी होती है। लेकिन यहाँ पर कौन पार्टिसिपेंट एंग्शियस है, किसको फियर है, इस चीज को कंसिडर नहीं किया जाता। इसी तरह से इंटेलिजेंस, कौन पार्टिसिपेंट कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है, इस चीज को भी यहाँ कांस्टेंट रखा जाता है, इस चीज को कंसिडर नहीं किया जाता। तीसरा पॉइंट है पर्सनालिटी, किस पार्टिसिपेंट की पर्सनालिटी कैसी है, कौन इंट्रोवर्ट है, कौन एक्सट्रोवर्ट है, किसका एमिएबल बिहेवियर है। तो इस तरह से जो पर्सनालिटी है उस फैक्टर को भी यहाँ पर कांस्टेंट रखा जाता है, इसके इफेक्ट को भी कंट्रोल ग्रुप पर नहीं देखा जाता। नेक्स्ट पॉइंट आता है बैकग्राउंड। देखो, कौन सा पार्टिसिपेंट किस बैकग्राउंड से आता है, कौन रूरल कम्युनिटी से आ रहा है, कौन अर्बन कम्युनिटी से आ रहा है, किसका सोशल स्टेटस क्या है, किसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, इन सब चीजों को कांस्टेंट रखा जाता है ताकि कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को इजीली कंपेयर किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है काउंटर बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी टू मिनिमाइज सीक्वेंस इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, एक्सपेरिमेंटर में इंटरचेंज ऑर्डर ऑफ टास्क। देखो, इसमें क्या होता है कि जो एक्सपेरिमेंटर होता है वो टास्क के ऑर्डर को चेंज कर देता है
काउंटर बैलेंसिंग कर देता है टू मिनिमाइज सीक्वेंस इफेक्ट। जैसे एक ग्रुप है, उसके आधे मेंबर्स को तो वो दे रहा है ए टू बी ऑर्डर के क्वेश्चंस, और जो आधा ग्रुप है उन्हें दे रहा है बी टू ए ऑर्डर के क्वेश्चंस। यानी यहाँ पर वो किसी तरह की कोई बायसनेस नहीं करता ग्रुप मेंबर्स के साथ, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करता है, सिर्फ वो ऑर्डर चेंज कर देता है क्वेश्चनिंग के। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटर मेंबर्स को दो टास्क नहीं देता, एक ही टास्क के ऑर्डर को वो इंटरचेंज कर देता है। आधे ग्रुप को एक ऑर्डर में टास्क देता है और आधे ग्रुप को दूसरे ऑर्डर में। क्लियर? ताकि काउंटर बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी अपनाई जा सके टू मिनिमाइज द सीक्वेंस इफेक्ट। क्लियर? तो ये तीन टेक्निक हैं जिनके थ्रू कंट्रोल किए जा सकते हैं रेलेवेंट वेरिएबल्स। अब मैं आपको लिमिटेशंस बता रही हूँ एक्सपेरिमेंटल मेथड की। देखो, हर मेथड की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है। जैसे ऑब्जर्वेशन मेथड की लिमिटेशंस थी, ऐसे ही एक्सपेरिमेंटल मेथड की भी लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन क्या है? एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड इन हाईली कंट्रोल्ड लैब सिचुएशन विच इज सिमुलेटेड एंड नॉट सुटेबल इन रियल वर्ल्ड। देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जाते हैं ये हाईली कंट्रोल्ड लैब सिचुएशन में होते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ये सिमुलेटेड होते हैं। सिमुलेटेड का मतलब होता है नकली। यानी ये जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ये आर्टिफिशियली डिजाइंड होते हैं, ये रियल लाइफ में मैच नहीं होते। तो जो चीज रियल लाइफ में मैच नहीं होती उस चीज को एक्सेप्टेंस नहीं मिलता। इस वजह से ये जो एक्सपेरिमेंट है हाईली कंट्रोल्ड लैब सिचुएशन में कंडक्ट किया जाता है, इसलिए इसको ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलती। दूसरा पॉइंट आता है, नॉट ऑलवेज फिजिबल टू स्टडी अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन एक्सपेरिमेंट। देखो, ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि हम लैब एक्सपेरिमेंट में हर तरह की सिचुएशन को स्टडी कर सके। जैसे देखो, एक एक्सपेरिमेंटर है, वो ये जानना चाहता है कि जिन बच्चों में लैक ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है क्या उन बच्चों का लेवल ऑफ इंटेलिजेंस भी कम होता है। तो देखो, इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए क्या वो ऐसा करेगा कि लैब में कुछ बच्चे लेके आएगा, उनको काफी दिनों तक भूखा रखेगा। जब उन्हें भूखा रखेगा तो उनमें ऑटोमेटिकली लैक ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगी, फिर वो उनके इंटेलिजेंस लेवल को चेक करेगा। नहीं, ये चीज एथिकली रॉन्ग है। इस तरह के एक्सपेरिमेंट लैब में कंडक्ट नहीं किए जा सकते। इस तरह के एक्सपेरिमेंट जो नेचुरल सेटिंग होती है उसी में कंडक्ट किए जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिन्हें लैब सेटिंग में, जिन्हें हाईली कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में स्टडी नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है एनवायरमेंटल मेथड की। तीसरा पॉइंट आता है, डिफिकल्ट टू कंट्रोल एक्सट्रेनियस वेरिएबल। देखो, जब भी कोई स्टडी कंडक्ट की जाती है तो बहुत सारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें बहुत डिफिकल्ट होता है सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करना और बाद में उन्हें कंट्रोल करना। किसी ना किसी एक्सट्रेनियस वेरिएबल का इफेक्ट जरूर होगा डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो ये भी एक बहुत बड़ी वीकनेस है, लिमिटेशन कंसिडर की गई है एक्सपेरिमेंटल मेथड की। तो होपफुली आज के वीडियो लेक्चर में आपको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप क्या होते हैं, क्या इनमें मेजर डिफरेंसेस होते हैं, इसके साथ साथ कौन कौन सी टेक्निक होती है रेलेवेंट वेरिएबल को कंट्रोल करने के लिए, और कौन कौन सी लिमिटेशंस होती है एक्सपेरिमेंटल मेथड की, ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको किसी पॉइंट में किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आज आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड पूरा हो जाता है। इस मेथड को मैंने दो पार्ट में एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट पार्ट में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और आज जो एक्सप्लेन किया है ये एक्सपेरिमेंटल मेथड का सेकेंड पार्ट। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड अच्छे से समझने के लिए दोनों ही पार्ट देखना, तभी आपको एक्सपेरिमेंटल मेथड अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।